चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, 5 ईयर्स अगो, आज से 5 साल पहले नूरी का जो एज था वो सोनू का आज से 5 साल पहले वाले एज का थ्राइस था। यानी कि आज से 5 साल पहले नूरी का जो एज था वो सोनू के आज से 5 साल पहले वाली एज का थ्राइस था, 3 गुना था। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 ईयर्स लेटर, आज से 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। यानी कि आज से 10 साल बाद नूरी का जो एज हो जाएगा वो सोनू के आज से 10 साल बाद वाले एज का ट्वाइस होगा। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन में ये बताना है कि नूरी का एंड सोनू का आज का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम नूरी का एंड सोनू का आज का जो प्रेजेंट एज है उसे सपोज कर लेते हैं। लिखते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई ईयर्स। तो यहां पर हमने ये सपोज कर लिया है कि नूरी का जो आज का एज है, जो प्रेजेंट एज है वो है एक्स ईयर्स, यानी कि नूरी जो है आज एक्स साल की है। ठीक है, एंड सोनू का जो आज का प्रेजेंट एज है वो है वाई ईयर्स, यानी कि सोनू जो है आज वाई ईयर्स का है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में यहां पर लिखा है कि 5 ईयर्स अगो, यानी कि आज से 5 साल पहले। तो चलिए इस कंडीशन को लेकर के हम एक इक्वेशन तैयार करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, और जो कंडीशन हमको गिवन है वो है 5 ईयर्स अगो। तो लिखेंगे 5 ईयर्स अगो अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है नूरी का आज से 5 साल पहले जो एज था वो सोनू के आज से 5 साल पहले वाली एज का थ्राइस था, 3 गुना था। अब देखिए नूरी का जो आज का एज है वो है एक्स ईयर्स, इसलिए उसका आज से 5 साल पहले वाला जो एज होगा वो होगा एक्स माइनस 5 ईयर्स। ठीक है, नूरी का आज का एज है एक्स ईयर्स, तो उसमें से 5 माइनस कर लेंगे तो नूरी का आज से 5 साल पहले वाला एज आ जाएगा। तो नूरी का आज से 5 साल पहले वाला एज हो जाएगा एक्स माइनस 5 ईयर्स, है ना। अब देखिए सोनू का आज का एज है वाई ईयर्स, तो उसका 5 साल पहले एज कितना होगा, वाई माइनस 5 ईयर्स, है ना, ये तो होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नूरी का जो आज से 5 साल पहले वाला एज था वो सोनू के आज से 5 साल पहले वाले एज का थ्राइस के इक्वल था, उसके 3 गुने के इक्वल था। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये पहला इक्वेशन बनने लग जाएगा। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो कंडीशन को लेकर के यहां पर हमने इक्वेशन तैयार कर लिया, लेकिन अब हम इसे अच्छी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है x माइनस 5, राइट हैंड साइड पर चलते हैं 3 इंटू y हो जाएगा 3y, 3 इंटू -5 हो जाएगा -15। अब हम 3y को, इस 3y को राइट से लेफ्ट में लेकर के आएंगे, -5 को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -15 प्लस 5। तो यह हमारा इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -15 प्लस 5 हो जाएगा -10, और ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए आगे लिखा है 10 ईयर्स लेटर, आज से 10 साल बाद। तो क्वेश्चन में लिखा है आज से 10 साल बाद नूरी का जितना एज हो जाएगा वो आज से 10 साल बाद सोनू का जितना एज होगा उसका दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियरली क्वेश्चन में लिखा है आज से 10 साल बाद सोनू का जितना एज हो जाएगा, आज से 10 साल बाद नूरी का एज उसका दुगना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है। तो चलिए इस कंडीशन को लेकर के हम एक और इक्वेशन यहां पर फॉर्म कर लेते हैं। तो लिखते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्योंकि जो हमारा कंडीशन है वो है 10 ईयर्स लेटर वाला, तो यहां पर हम लिखेंगे 10 ईयर्स लेटर, यानी कि आज से 10 साल बाद।
अब देखिए स्टूडेंट्स, नूरी का जो प्रेजेंट एज है, जो आज का एज है, वो है एक्स ईयर्स। इसलिए नूरी का आज से 10 साल बाद जो एज होगा वो होगा एक्स प्लस 10 ईयर्स। आज के एज में 10 जोड़ लीजिए तो नूरी का आज से 10 साल बाद वाला एज आ जाएगा। नूरी का आज का एज है एक्स ईयर्स, तो 10 साल बाद उसका एज हो जाएगा एक्स प्लस 10 ईयर्स। ठीक है, ऐसे ही सोनू का आज का एज है वाई ईयर्स, तो आज से 10 साल बाद उसका एज हो जाएगा y प्लस 10 ईयर्स। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नूरी का आज से 10 साल बाद वाला जो एज होगा वो सोनू के आज से 10 साल बाद वाले एज का दुगने के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से भी अब हम एक अच्छा सा इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर हमने इक्वेशन बना लिया है, लेकिन अब हम इसको अच्छी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, यहां से एक सही इक्वेशन तैयार करेंगे। यहां पर हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में है x प्लस 10। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पर, 2 इंटू वाई हो जाएगा 2y, 2 इंटू प्लस 10 हो जाएगा प्लस 20। ठीक है, अब हम 2y को अब हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट में लेकर के आएंगे एंड प्लस 10 को हम लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10। तो हमारे पास में आएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, और ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बन गया, यहां पर हमारा सेकेंड लीनियर इक्वेशन बन गया। चलिए अब हम इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे एंड इस इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में से हम इक्वेशन सेकेंड को सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए हमारा इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10, हमारा इक्वेशन सेकेंड है x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब हम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड को सब्सट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए यहां पर भी x है इक्वेशन फर्स्ट में, यहां पर भी x है इक्वेशन सेकेंड में। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x में से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तब हमारे पास आराम से y का वैल्यू आ जाएगा। इसीलिए हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर है प्लस, यहां पर माइनस हो जाएगा क्योंकि हम इक्वेशन सेकेंड को सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। पहले यहां पर x प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, यहां पर माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। करेक्ट, अब देखिए x ऊपर है, नीचे माइनस x हो चुका है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर है माइनस 3y, यहां पर है प्लस 2y, पहले ये माइनस 2y था अब ये प्लस 2y हो गया है, तो माइनस 3y प्लस 2y हो जाएगा माइनस y। करेक्ट, माइनस 3 प्लस 2 होता है माइनस 1, माइनस 1 y हो जाएगा हमारा माइनस y। ठीक है, तो यहां पर इसको सॉल्व करके आएगा माइनस y। अब देखिए यहां पर है माइनस 10, यहां पर है माइनस 10, पहले ये प्लस 10 था अब ये माइनस 10 हो गया, तो माइनस 10 माइनस 10 हो जाएगा माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास में y का वैल्यू आ जाएगा 20। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में y का वैल्यू आ गया 20। अब हम क्या करेंगे, अब हम y के इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम लिखते हैं कि हम पुट करने जा रहे हैं y इज इक्वल टू 20 को इन इक्वेशन फर्स्ट। करेक्ट, अब देखिए भाई इक्वेशन फर्स्ट हमारा है x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। ठीक है, अब हमने y की जगह पर रखना है 20, तो y की जगह पर यहां पर आएगा 20। करेक्ट, अब यहां पर ये x है, माइनस 3 इंटू 20 हो जाएगा माइनस 60, माइनस 60 को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो राइट में पहले तो है माइनस 10, माइनस 60 जब लेफ्ट से राइट में आएगा तो हो जाएगा प्लस 60, यहां पर आकर के प्लस 60 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर x का वैल्यू आएगा माइनस 10 प्लस 60 होता है 50, तो यहां पर हमारे पास में x का वैल्यू आ जाएगा 50। करेक्ट, तो हमारे पास में यहां पर x का वैल्यू आ गया 50 एंड यहां पर हमारे पास में y का वैल्यू आ गया 20। ठीक है, अब देखिए नूरी का जो प्रेजेंट एज है वो है x ईयर्स। x को यहां पर हमने निकाला है 50, यानी कि नूरी का प्रेजेंट एज हो गया 50 ईयर्स क्योंकि x को यहां पर हमने 50 निकाल दिया है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी
इज इक्वल टू, जिसको कि हमने एक्स ईयर सपोज किया था, एक्स हमारा निकला है 50, तो 50 ईयर्स हो जाएगा नूरी का प्रेजेंट एज, ठीक है। अब हम सोनू का भी प्रेजेंट एज लिखते हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, जिसको कि हमने वाई ईयर सपोज किया था, जिसको कि हमने वाई ईयर सपोज किया था, वाई को हमने यहां पर निकाला है 20, तो सोनू का प्रेजेंट एज हो जाएगा 20 ईयर्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में इस क्वेश्चन का, ये जो हमारा क्वेश्चन था उसका फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन में हमसे यही तो पूछा गया था कि नूरी का एंड सोनू का प्रेजेंट एज कितना है ना, यही तो हमसे पूछा गया था नूरी एंड सोनू का प्रेजेंट एज। तो यहां पर हमने बता दिया कि भाई देखो नूरी का प्रेजेंट एज है 50 ईयर्स एंड सोनू का प्रेजेंट एज है 20 ईयर्स। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एजेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सॉल्यूशन हम आपको जरूर भेजेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चंस को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर हमारा है 7466032203, करेक्ट, इस पर आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन हम आपको जरूर भेजेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।